हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेटामॉर्फिक रॉक, आज हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का इंट्रोडक्शन पार्ट पे। एक्चुअली ये वीडियो ऑन डिमांड है, इग्नियस के बाद हम शिफ्ट होने वाले थे सेडिमेंट्री पे, बट कुछ कमेंट्स आए मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, दैट्स व्हाई आज हम मेटामॉर्फिक के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो पार्ट रहेगा हमारा वो रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट पे। नेक्स्ट वीडियो से हम उसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर, स्ट्रक्चर, उसके प्रोसेसेस, मेटामॉर्फिक रॉक जो फॉर्म हो रहा है उसका प्रोसेसेस, फैक्टर, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई जियोलॉजी रिलेटेड अपडेट आए आप सबसे पहले उसे देख सकें। बेसिकली हमने रॉक साइकिल में डिस्कस किया था, हमारे पास थ्री टाइप का रॉक है बेसिकली, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो रॉक साइकिल का जब हमने वीडियो लिया था उसमें हमने देखा था मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, किस टाइप में फॉर्म होता है। आपने अगर वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रॉक साइकिल का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कैसे होता है। तो चलिए आज देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक का इंट्रोडक्शन, सबसे पार्ट देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या देखते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओल्डर रॉक और प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ठीक है, अब ये ओल्डर रॉक क्या है या फिर प्री एग्जिस्टिंग रॉक क्या है, मीन्स अर्थ पे पहले से ही जो इग्नियस हो या फिर सेडिमेंट्री हो या फिर मेटामॉर्फिक रॉक हो, ठीक है, कोई भी रॉक जो पहले से एग्जिस्ट है उसे ही हम बोल रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ओके, तो ये देखिए मेटामॉर्फिक रॉक बन कैसे रहा है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बन रहा है, मीन्स ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी या फिर टर्शियरी प्रोसेस में बन रहा है, प्राइमरी प्रोसेस में नहीं बन रहा है। जैसे इग्नियस रॉक बनता है उस टाइप में ये डायरेक्ट क्रिस्टलाइज होकर नहीं बन रहा है, ये कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक रॉक सेकेंडरी रॉक से बन रहा है या फिर टर्शियरी रॉक, मींस ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बन रहा है या फिर ओल्डर रॉक आप बोल लीजिए। देखिए फिर से देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म फ्रॉम द ओल्डर रॉक, ओल्डर रॉक से बन रहा है और प्री एग्जिस्टिंग रॉक, उसे आप प्री एग्जिस्टिंग रॉक भी बोल सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग रॉक वो इग्नियस रॉक भी हो सकता है या फिर सेडिमेंट्री भी हो सकता है और ये खुद में मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेटामॉर्फिक रॉक सिर्फ सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक से बनेगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक से भी बन सकता है। तो ये तो हमने देखा मेटामॉर्फिक रॉक बन कैसे रहा है, उसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो क्या है वो हमने देखा, ठीक है। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो किस प्रोसेस में बन रहा है, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है फॉर्म होने का मेटामॉर्फिक रॉक का। When they subjected to, अब दे यहाँ पर किसको रिफर किया जा रहा है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ओके, जहाँ अभी हमने देखा प्री एग्जिस्टिंग रॉक इग्नियस हो सकता है, सेडिमेंट्री हो सकता है या फिर मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो when यहाँ पर आप बोल सकते हो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक सब्जेक्टेड, इग्नियस रॉक हो या फिर मेटामॉर्फिक नहीं तो सेडिमेंट्री, इंक्रीज टेम्परेचर और प्रेशर के मतलब अंडर जब वो आ रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है इंक्रीज प्रेशर और टेम्परेचर में, तो उसी से ही बन रहा है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। मीन्स यहाँ पर से पता क्या चला, कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग रॉक है अर्थ में, उसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर एक्ट कर रहे हैं और टेम्परेचर प्रेशर एक्ट करने की वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है या फिर इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक कोई भी, वो फिर अगेन मेटामॉर्फिज्म हो जा रहा है, ठीक है। तो उसे ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो लिखा गया टर्म ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म हो रहा है, मीन्स तो यहाँ पर ग्रेटर डेप्थ का मीनिंग क्या है पहले देखते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ग्रेटर डेप्थ, मतलब यहाँ से पता क्या चला मेटामॉर्फिक रॉक जो भी फॉर्म हो रहा है ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बट कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है वो अर्थ के सरफेस के नियर में भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर मैग्मा इरप्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पहले से कुछ जो रॉक रहेंगे, ठीक है, यहाँ का भी लिथोलॉजी कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पर जब इरप्ट हो रहा है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की वजह से भी, कॉन्टैक्ट होने की वजह से मतलब ये तो बहुत ही हाई टेम्परेचर में जब मैग्मा कॉन्टैक्ट हो रहा है अदर रॉक के साथ, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्रिएट हो रहा है और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की वजह से यहाँ पर आपको मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिल रहा है। तो कुछ केसेस में आपको अर्थ के सर्फेस के ऊपर भी देखने को मिलेगा, बट मेजोरिटी जो है ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई बहुत से ऑथर के द्वारा ये टर्म यूज किया गया है, एट द ग्रेटर डेप्थ। ओके, तो अब ये प्रोसेस किस स्टेट में होता है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक तो बना, अब क्या वो सॉलिड से ही कन्वर्ट होता है या फिर सॉलिड जैसे प्री एग्जिस्टिंग रॉक है इग्नियस, क्या वो इग्नियस रॉक मेल्ट होकर अगेन मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है या फिर कैसे वो देखते हैं। दिस प्रोसेस अकर इन सॉलिड स्टेट, मीन्स ये जो रॉक है सॉलिड स्टेट में ही बन रहा है, ये मतलब मेल्ट नहीं हो रहा है, अगर मेल्ट होगा तो ऑब्वियसली वो क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टलाइज होगा मीन्स हमने देखा था क्रिस्टलाइज होने से वो इग्नियस रॉक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रहा है सॉलिड स्टेट का, मींस इग्नियस रॉक हो या फिर सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक अर्थ के सरफेस के ऊपर है, मींस अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, ग्रेटर डेप्थ में भी हो सकता है, एनी रीजन में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये रॉक्स हैं। तो उनके ऊपर जब प्रेशर या फिर
बात कर लीजिए टेम्परेचर जब आर्ट कर रहा है तो उसके वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वही चेंजेस आने की वजह से रॉक में कैरेक्टर सेम, मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक का कैरेक्टर था, चेंजेस आने के बाद वो कैरेक्टर उसमें नहीं देखने को मिला, दैट्स व्हाई हम उसे नेमिंग कर रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो ये ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में ही हो रहा है, लिक्विड स्टेट में नहीं होगा। अगर लिक्विड स्टेट में मेल्ट होकर वो अगेन क्रिस्टलाइज होगा तो वो मैग्मा बन जा रहा है, मैग्मा अगर क्रिस्टलाइज होगा तो हमारे पास इग्नियस रॉक आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड स्टेट में ही कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक से जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है वो सॉलिड स्टेट में ही कन्वर्ट हो रहा है। अब कुछ टर्म्स है जो हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये टर्म्स भी बहुत बार यूज होगा आगे जब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर टेक्सचर कुछ भी, तो उसमें ये टर्म्स डिस्कस होगा। तो ये टर्म है मेटामॉर्फिज्म, ये क्या है पहले देखते हैं। मेटामॉर्फिज्म ये टर्म है उसको हम समझेंगे, बट मेटामॉर्फिज्म पहले देखते हैं है क्या, मतलब जो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए जो भी प्रोसेस है उसे ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस, मतलब मेटामॉर्फिज्म होने के बाद ही मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। किसका मेटामॉर्फिज्म होगा? प्री एग्जिस्टिंग रॉक का। जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है तभी हमें मिल रहा है प्रोडक्ट मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो अगर आप ये टर्म को अगर आप रिलेट करेंगे इग्नियस रॉक के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारे पास मैग्मा था, मैग्मा जब क्रिस्टलाइज हो रहा था हमारा, हमको क्या मिल रहा था? इग्नियस रॉक, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैग्मा जब क्रिस्टलाइज हो रहा था, ठीक है, सी लिख दिया मैं, तब हमें क्या मिल रहा था? इग्नियस रॉक। तो ये क्या था? प्रोसेस था, जिस प्रोसेस के द्वारा मैग्मा से इग्नियस रॉक मिल रहा है। इसी तरह मेटामॉर्फिज्म भी एक प्रोसेस है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक है वो, जो उसके बाद हमें क्या दे रहा है? प्री एग्जिस्टिंग रॉक से क्या मिल रहा है? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिल रहा है, तो ये मिल कैसे रहा है? इसका जो प्रोसेस है वो है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के द्वारा हमें क्या मिल रहा है? प्री एग्जिस्टिंग रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है। तो मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है। अब मेटामॉर्फिज्म जो है वो टर्म को पहले समझते हैं। मेटा मीन्स चेंज, ठीक है, मेटा जो यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म है इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, मेटा मीन्स चेंज, और ये जो मॉर्फ है, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मतलब फॉर्म में कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग रॉक का चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस, और जिसके द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसका फॉर्म में चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इसका मतलब नोमेनक्लेचर जो है इसी तरह है, मेटा मीन्स चेंज, ठीक है। यहाँ पर चेंज इन फॉर्म हो रहा है तो उसी के लिए इसका नोमेनक्लेचर भी है मेटामॉर्फिज्म। ओके, अब और टर्म आता है प्रोटोलिथ। अब प्रोटोलिथ क्या देखते हैं? प्रोटो मीन्स फर्स्ट, ठीक है, एंड लिथ मीन्स रॉक, ठीक है, फर्स्ट रॉक। अब ये फर्स्ट रॉक क्या है? तो जिसे ही हम बोल रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है, या फिर प्री एग्जिस्टिंग रॉक का जो बॉडी है उसे ही हम बोल रहे हैं प्रोटोलिथ, ठीक है। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा था मेटामॉर्फिक रॉक का, प्री एग्जिस्टिंग रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के रीजन में, तो ये तो हमने देख लिया। तो प्रोटोलिथ क्या है यहाँ पर? प्रोटोलिथ मीन्स जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसी को ही टर्म यूज किया जा रहा है प्रोटोलिथ, और मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के द्वारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। तो ये दो टर्म आपको याद रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टर्म आगे जाके यूज होंगे। तो ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, और अगर इसको और भी थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखने को चाहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का जो डेफिनेशन है उसको, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम और भी अगर सिंपल लैंग्वेज में उसको बनाएंगे, तो ये देखिए कैसे होगा। ये दो टर्म को अगर हम यूज करते हैं, मेटामॉर्फिज्म और प्रोटोलिथ, तो आप बेसिकली बोल सकते हो मतलब मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम मेटामॉर्फिज्म ऑफ प्रोटोलिथ, ठीक है, प्रोटोलिथ का मेटामॉर्फिज्म होने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। तो सिंपली आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, मेटामॉर्फिज्म ऑफ प्रोटोलिथ, ठीक है, इसे ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।